Please. Нет? Не-не-не. Окей. एक अलग ही एहसास है दोस्तों, इतने करीब से पंछियों को देखना। सीगल, सीगल है सब। Okay. दोस्तों जय जगन्नाथ। आई होप सब घर में आप अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं नए ब्लॉग पे। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर था और एट द एंड में आपको मेरा जो होस्ट है जो रुसलान भाई, उनसे मैं मिला नहीं पाया कि वो सुबह सुबह उनका माताजी का तबीयत ख़राब है तो सुबह से वो निकल पड़े। एंड जो थोड़ी देर पहले आपने देखे वो रुसलान भाई का वाइफ है, तो यही है। बाकी हाँ चलते हैं। दोस्तों सिटी बस पकड़ के मैं जा रहा हूँ सीधे से बाहर की तरफ, वहाँ से मुझे चाय मिल सकता, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। सो सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। सो दोस्तों मैं शहर के बाहर ऑलमोस्ट आ चुका हूँ और यहाँ से मैंने एक ब्रेड लिया है। बस इस ब्रेड का कॉस्ट है 20 रुपये, ये रहा देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला ब्रेड मैं लेता हूँ। बाकी ये 40 ऊपर 110, इतना महंगा मैं दे नहीं सकता, तो हर वक्त मैं 20 रुपये वाला ब्रेड में लेता हूँ। और बाकी मैं जो मेरा होस्ट है, एक सेकंड बाहर चले जाता हूँ। बाकी मेरा जो होस्ट है, होस्ट के रूम से मैं खाना सुबह बना के लाया था, तो उसके साथ और ब्रेड के साथ मैं खा सकता हूँ आराम से। और इससे आगे थोड़ा मैं 5 मिनट चल के आगे की तरफ जाऊँगा और वहाँ से हिचहाइकिंग शुरू करूँगा। दोस्तों ऑलमोस्ट मैं सिटी के बाहर आ चुका हूँ और भी अराउंड यहाँ से आगे 10 मिनट में चल के जाना पड़ेगा। और मुझे चाहिए थे कार्डबोर्ड जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ कि आगे मैं कौन से सिटी की तरफ जाऊँगा, ताकि इजी हो गई साइकिल के लिए। ढूंढ ही रहा था तो यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था बैग यहाँ पर रख के, तो उस साइड एक कार्डबोर्ड है, आपको दिख रहा होगा शायद, तो चलते उस साइड पहले मैं ले के आता हूँ कार्डबोर्ड एंड देन उसके बाद उस पर लिखते हैं जो भी मेरा सिटी रहेगा। फाइनली मैं लेके आया। बहुत बहुत गाड़ी, इतना गाड़ी की इतना फ्रीक्वेंसी है भाई, मुझे 10 मिनट खड़ा होना पड़े यहाँ पे, तो फाइनली मुझे मिल गया कार्डबोर्ड। दोस्तों पहला लिफ्ट मुझे मिल चुका है, बोर्ड पे लिख ही रहा था अंकल ने लिफ्ट दिया, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। स्पेसिव हाँ हाँ, वहाँ से वो बड़ा ब्रिज क्रॉस करके मैं इस पार आ चुका हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, आज सुबह मैं जब इंटरनेट ओपन किया तो मैंने देखा मेरा यूट्यूब फैमिली का 2000 सब्सक्राइबर पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। और दोस्तों ये जो 2000 सब्सक्राइबर है मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं है, ये 2000 लोग है जिन्होंने मुझे जो मुझे प्यार करते और अपने ज़िंदगी का हर एक दिन मुझे 10 से 5 मिनट देते, तो थैंक यू सो मच अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे पास कुछ और ए टू के सेलिब्रेशन करने के लिए मेरे पास कुछ चॉकलेट भी है। लास्ट वीडियो में आपने देखे थे कि रुसलान भाई के साथ मैं गया था, जो रशियन जो ऑफिशियल जो सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ से जितने सारे लोग थे वहाँ पर एंट्री मिला था, जिनके पास जो टिकट था उनको सब लोगों को गिफ्ट मिला था, और गिफ्ट के तौर में मुझे भी मिला था एक चॉकलेट का पैकेट। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये चॉकलेट मुझे मिला था और एक इन्विटेशन लेटर एरा। तो इससे मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कि ऊपर वाले जो लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले नहीं है वो गलत है, क्योंकि ऊपर वालों को पता है मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता। तो देखो कैसे चीज़ें कैसे सेटल्ड हो, आप देखिए जो रुसलान भाई के साथ मैं गया था ऑफिस के अंदर, कभी भी किसी बाहर के फॉरेनर्स को, इवन जो रशियन लोग हैं उन लोग भी इसके अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है। और मुझे
जो उसके अंदर भी इम्पॉसिबल चीज़, उसके अंदर भी मुझे एंट्री मिल गया, और उसके साथ एंट्री मिलने के बाद मुझे ये जो चॉकलेट मुझे मिला है, पहले से मुझे लग रहा है पहले से ये चीज़ प्री प्लान था, ऊपर वाले ने मेरे लिए प्लान करके रखा था कि मैं तो सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है। तो थैंक यू सच में बहुत सारे चीज़ें इस ट्रिप में मेरे साथ हो रहा है, मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे चीज़ें, मतलब सब कुछ धीरे धीरे ईजी हो रहा है। ये जो चॉकलेट है, ताकि मैं ऊपर वाले ने मुझे ये प्लान करके रखे कि ये जितने सारे चॉकलेट है मैं सबको आज मैं गिफ्ट करूँगा, लोगों को मैं दूँगा और मैं टूर के सेलिब्रेट भी करूँगा। तो थैंक यू सो मच ऊपर वाले, और थैंक यू सो मच आप लोगों को। मैं आप लोगों से यही आशा रखूँगा कि इन फ्यूचर ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और ऐसे ही लव एंड सपोर्ट मेरी तरफ बनाए रखिए। और अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पर हूँ, बहुत ही प्यारा लोकेशन है, ये लैंडस्केप देख सकते हो। यहाँ पर इस साइड पहले तो जंगल है, उस साइड छोटा सा प्यारा सा गांव है, यहाँ पर पहाड़ है और आसमान, नीला आसमान, क्या लैंडस्केप, बहुत ही प्यारा, एक फ्रेम में बहुत ही कुछ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ तक तो 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए मुझे हेल्प किए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 1000 भी जा पाऊँगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ से मैं अभी हिचहाइकिंग करूँगा दोस्तों, ये देख सकते हो, यहाँ से ही मैं हिचहाइकिंग करना शुरू करूँगा। तो दोस्तों चलते चलते मैं आगे तक आ चुका हूँ, और सामने कुछ पुलिस वाले हैं, तो कोशिश करूँगा उनके साथ मैं सेलिब्रेट करने के लिए, मेरे चॉकलेट उनको सबसे पहले देने के लिए। तेरा सामने पुलिस भाई, चलते हैं देखते। प्लीज नियत ओके थैंक यू। तो मैंने सर को यहाँ पर मोबाइल पे ट्रांसफर करके लिखा है कि मेरा आज 2000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, और आप मेरा एक चॉकलेट प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए। तो मना कर दे, कोई नहीं, चलो कोई नहीं, मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ, चलते आगे की तरफ। तो दोस्तों आज खाने में मेरे पास है ब्रेड, और एक ब्रेड नया वाला जो मैंने 20 रुपये खरीदा था वो है, पहला वाला ब्रेड मेरे पास है ऑलरेडी। और मैंने आज सुबह ये सब्ज़ी बनाया था, मैंने भेज सब्ज़ी जो मेरे रुस्लान भाई है होस्ट, सुबह उठ के मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, उठ के भेज सब्ज़ी मैंने बनाया था। एंड उसके साथ मेरे पास है ये दो, और मैंने एक बॉयल एग भी करके रखा था। दोस्तों खाना हो चुका है और हम काम पे भी लग चुके हैं। दोस्तों फाइनली एक छोटा सा लिफ्ट मुझे मिला है, भाई लोगों ने मुझे दिए है, स्पसीबा ब्लॉगिंग स्पसीबा। ओके दोस्तों, तो भाई लोग थोड़ा स्टॉपेज लिए यहाँ पर, यहाँ से कुछ खाने वाले, दोपहर कुछ लंच करने वाला, और मैं गाड़ी पे सो गया था, भाई बोल रहे कि हमारे साथ भी कुछ खा लो, तो चलते अंदर। ये रहे भाई लोग दोनों बैठे हैं यहाँ पे। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, चिकन और ब्रेड खा लेते हैं, एंड उसके बाद हम निकल जाएंगे हमारे सफ़र की ओर। खाना खा रहे थे पहले। सो दोस्तों अभी मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ 250 किलोमीटर दूर, और जो मुझे चेक दिए थे जो भाई साहब है, मैं यहाँ दूर आके बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो भाई लोग हैं ये लोग कैमरा में आना पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं चाहता उनको डिस्टर्ब करने के लिए। तो अभी यहाँ पर एक जितने से ट्रक है, यहाँ पर ट्रक रुका है, तो जो मुझे हिचहाइक दिए थे, जो लिफ्ट भाई साहब ने दिए थे, तो भाई साहब ने बोले कि यहाँ पे उनका एक दोस्त है जो जान पहचान वाले, जो यहाँ से इरकुत्स्क की तरफ जाएंगे, तो बहुत बड़ा हेल्प है मेरे लिए। मतलब ये जो ट्रक वाले दिख रहे हो, ये इनमें से कोई जाएंगे इरकुत्स्क की तरफ डायरेक्ट, मेरा जो आज का डेस्टिनेशन है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ईजी हो जाएगा,
मंगोलिया बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। ऑलमोस्ट मैं एक दिन में कवर कर लूँगा 1500 किलोमीटर। तो थैंक यू जनाब को। भाई ये ट्रैवलिंग हमें क्या सिखा देता है, बहुत सारा एक्टिंग करना पड़ता है, कभी ड्राइवर कभी कंडक्टर बन जाता हूँ, कभी होस्ट के पास रह के घर वाला फीलिंग आ जाता है, कभी शेफ बन जाता हूँ। ये ट्रैवलिंग बहुत सारे चीज़ें हमें सिखा देता है। तो दोस्तों फाइनली आ चुका हूँ मैं गाड़ी के अंदर और रात भर गाड़ी चलने वाला है आज। तो दोस्तों रात का टाइम हो चुका है 2 बजे के आसपास और यहाँ पर पूरा भरा पड़ा है, तो इसके ऊपर मैं सो नहीं पाऊँगा आज ऐसे ही। नियत प्रॉब्लम ऐसे मुझे बैठ के सोना पड़ेगा ऐसे। अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा है, अब मैं भाई साहब को मैं कंपनी दे नहीं पाऊँगा, मैं सो जाऊँगा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया इरकुत्स्क में, दोपहर का टाइम है 1 बजे और मुझे इरकुत्स्क से यहाँ से जाना है बैकाल लेक। मैं यहाँ से एक दिन रुकना चाहता हूँ और जो मेरे जो ड्राइवर भाई साहब है वो और एक गाड़ी है जो किर्गिस्तान की तरफ जाएंगे, तो उनसे पूछने गए, किर्गिस्तान की गाड़ी है तो उनसे पूछने गए अगर वो बैकाल जाएंगे तो मैं मुझे उनके साथ लेके जाने के लिए। बहुत सारा हेल्प यहाँ का जो ड्राइवर है जो लोग गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे, थैंक यू सब लोगों को। तो ये गाड़ी नहीं जाएंगे, पूछ के आए हैं, चलते आइए तरफ और देखते हैं। तो बाकी मैं इस कैफे में रुक रहा हूँ, यहाँ से बाइक के लगे 130 किलोमीटर है, आगे एक कैफे है वहाँ पर बहुत सारी गाड़ी है, तो भाई साहब ने बोले कि वहाँ से मिल जाएगा स्पेशल से। भाई की पूरा पी के टुल्ले में चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे सामने, तो भाई बोले मैं आगे लेके जाऊंगा गले गले सब की सन्ना ले पूरा पी के टुल्ले, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ओके दोस्तों चलते हैं, इन लोगों को खाना पीना जो भी होना हो गया है, अभी चलते हैं। बैग 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 भाई। दोस्तों इनसे पीछे छूट गया, मतलब पूरे रास्ते पूरा पी के पूरा दिमाग ख़राब करके रखे थे और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ लेक बैकाल। इस साइड है विलेज, उस साइड विलेज है, चलते उस पर, मुझे पता नहीं कहाँ पर क्या है बट जो भी है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, चलते उस पर देखते बाकी। इस साइड कुछ मार्केट वगैरह है इस, और मुझे इस गांव के अंदर से होके मैं चाहता हूं कि बैकल के अंदर लेक बैकल के पास मैं रात को कैंपिंग करूं। चले देखते हैं पहले क्या होता है। सो, ये है ट्रेन लाइन क्रॉसिंग, इसको हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। भाई यहाँ पर तो रोड नहीं है, इस साइड से जाना पड़ेगा। सी वाह। सो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ लेक बैकाल, ये मेरे सामने, और सामने क्या लग रहा है दोस्तों, पूरा वॉलपेपर है। अब सोचो क्या मज़ा आएगा ना यहाँ पर मैं
कैंपिंग कर रहा रात को। ओह फाइनली आई लेक बैकल, हमने हिस्ट्री बुक में पढ़े थे, फाइनली मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब कितना एक्साइटेड हूँ। और यहाँ पर भाई कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शायद रोस्ट वगैरह करेंगे। इतना काक, इतना मशरूम, कुर्बी है इंग्लिश की मशरूम। ओके यू फ्राइड इट राइट? ओके सो भाई यहाँ पर मशरूम को फ्राइड करेंगे। ओके गुड गुड, सब इंतजाम है, चलो बहुत बढ़िया। कजाकिस्तान, यू कजाकिस्तान? ओ अरे जो भाई है कजाकिस्तान से है, तो रशिया एंड कजाकिस्तान। गुड गुड गुड, कर शो। यस टेंट रेडी हो गए, बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे सबसे अच्छा ये लगेगा कि मैं इस टेंट के अंदर बैठूँगा और ये दरवाज़ा के, मेरे टेंट का जो दरवाज़ा है वहाँ से बैठ के मैं ऐसे नदी, जो लेक है और रात के चांदनी का मैं मज़ा लूँगा। मुझे मेरा ड्रीम कम ट्रू, मेरा सपने, बहुत बड़ा सपना है, मेरा सपना था अब नहीं है, सपना पूरा हो रहा है आज। या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसके सामने बॉनफायर भी हो रहा है, मतलब रोस्ट वगैरह करेंगे हम। बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, वीडियो बहुत अच्छा आने वाला है, वीडियो चाहे कैसा हो बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। क्या लोकेशन है, नेक्स्ट लेवल। दोस्तों मेरा छोटा सा घर रेडी हो चुका है, बस मेरा सपना यही था, वो मेरा सपना पूरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे एग्जैक्ट सामने लेक बैकाल, और मेरा छोटा सा जो घर है मैं उसको सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। पूरा रेडी है, मैं स्लीपिंग बैग वगैरह सब कुछ रेडी करके रखा हूँ, ताकि अंधेरा हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब मैं खुद देख नहीं पाऊँगा, प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैं लाइट रहते हुए मैं सब कुछ रेडी कर दिया हूँ। अब बस एंजॉय करेंगे ये बॉनफायर को, साइड में जो बॉनफायर हो रहा है, चाय भी बन रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड रशिया में कैंपिंग कर रहा हूँ, वो भी लेक बैकल के सामने। दोस्तों अभी शाम का टाइम है, 8:30 बजे, और हमारा चाय बन के रेडी हो चुका है। चाय के साथ बिस्किट है, कुछ चॉकलेट्स है, और सबसे स्पेशल लेक बैकल है। सो एंजॉय करते हैं चाय को, तो भाई को आने देते हैं, हमने उसके दोनों भाई मिलके चाय पियेंगे। तो भाई मुझे बोल रहे कि मैं अकेला था, मैं वो सोच रहा था कोई अगर हो जाता तो अच्छा होता, तो मेरे नसीब में ही लिखा था कि भाई यार मैं एक साथ यहाँ पर बैठ के लेक बैकल में चाय पीऊँगा, नसीब नसीब का खेल होता है। और ये जो भाई का नाम है सरगे, सरगे ब्रदर, सरगे ब्रात, ब्लॉगिंग स्पेशल सोए। ट्रक ड्राइवर लोग क्या था, वो लोग सब कुछ किचन का सामान सब कुछ लेके चलते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये करूँगा, ये बहुत अच्छा लगता है, वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। सो दोस्तों अभी थोड़ा चाय पीते, खाना खा लिया, थोड़ा सा शहद ले लेते हैं, थोड़ा सा शहद। चीयर्स टू लेक बैकाल। यहाँ के चाय ख़राब हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस नज़ारे के साथ कुछ कुछ भी खाओ आप, बिना खाली पेट करो तब भी अच्छा लगेगा आपको। कासीवा कासीवा। सो दोस्तों रात का टाइम है 1:05, और मैं अब तक बाहर ही था, और जो सरगी भाई थे वो उन्होंने बॉर्न फेयर करने के लिए बोला था, बोले कि नहीं मुझे बहुत तेज़ नींद आ रहा है, क्योंकि दिन भर वो गाड़ी चला के आ रहे हैं, आज वो मंगलोर से आया है, तो आज रात वो मेरे साइड में, इस जो उनका गाड़ी था उस साइड में उन्होंने गाड़ी के अंदर सो गए, और वो जल्दी सो गया, और मैं इतने टाइम से जो लेक के किनारे बैठा था, और अभी भी आवाज़ हो रहा है। लाइट तो नहीं दिखेगा, ये देख सकते हो यहाँ पर, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं सामने, बहुत अच्छा लग रहा था।
बाकी जल्दी सो जाते हैं और जल्दी के एक तो बज गया, और सुबह सुबह उठ के आपको सनराइज़ भी दिखाते हैं कैसा। तो अगर मैं उठ जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी मैं आज बहुत खुश हूँ, इतने टाइम से मैं बाहर ही बैठा था अकेले, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पानी का शोर और ऊपर चाँद था, और जो चाँद को जो किरने वो मतलब पानी की यू नो पानी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ, मेरे लिए सब कुछ नया है, मैं एक बच्चे जब छोटे बच्चे जैसे नए नए चीज़ें देखते जैसे खुश हो जाते ना, मैं भी सेम वैसे ही मुझे फील हो रहा था आज। सो या मैं स्लीपिंग बैग के अंदर हूँ, आप देख सकते हो, और सब कुछ रेडी है। तो बाकी मिलते हैं कल सुबह, तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।